व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी सुबह उठ गया, अभी भी मतलब अंधेरा हो चुका है, तो मैं लाइट दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बाहर, मतलब अंधेरा अभी भी हो रहा है, थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है, तो पता नहीं आज जा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, इसीलिए मतलब थोड़ा सा डाउट है। फिर भी कोई नहीं, मैं ब्रश कर लेता हूँ क्योंकि अभी भी मतलब अंधेरा ही है। शायद दो बजे हैं, तो मैं अभी ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ। चाय पीने के बाद अभी ड्रेस करना बाकी है, तो ठीक है मैं ड्रेस भी कर लेता हूँ। ड्रेस करने के बाद अभी टाइम है शूज़ पहनने का। शूज़ पहन के हो गया ये मेरा ड्रेस रेडी, तो अभी टाइम है जाने का। तो अभी बजे है, ये है 3:30। ड्रेस रेडी, अभी जाने का टाइम है। सनराइज तो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि बारिश हो रहा है अभी अभी, जस्ट रुका है बारिश। तो ऑब्वियसली बारिश होने के बाद तो सूरज मतलब दिखता नहीं है, सनराइज तो होगा नहीं। फिर भी कोई नहीं, मतलब सीनारी देख के आ जाएगा, क्योंकि अपने दिनों के बाद मतलब बाहर जा रहे घूमने से, तो मतलब बाहर जाना होता रहता है। तो फिर भी इसीलिए मतलब फ्रेशमैन के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए देखते हैं क्या होता है, क्या देखने को मिलता है सीनारी। तो इतना अंधेरा है गाइस, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी 4 बज गए हैं। फाइनली पहुंच गया, मतलब इतने मतलब पार्क के, इतना मतलब चेक पोस्ट पे पुलिस था, मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे रोक ना दे, क्योंकि बहुत मतलब लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन तो 5 बजे से खुलता है, अभी तो 5 बजा नहीं, इसीलिए मतलब सब जगह भी पुलिस था। मुझे लगा कि यार कहीं मतलब रुका देगा तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए डर डर के आया। तो अभी मैं फ्रेंड के घर पहुंच चुका हूँ, वो अभी आ रही है। आ गई हमारी फ्रेंड संगीता आ गई। अभी शायद जाने में आधा घंटा लगेगा, तो आधा में डायरेक्ट वहाँ पे जाके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ओबियसली थोड़ा सा ठंड है, तो मतलब हेलमेट में वो अब तक मैंने लगाया नहीं है, तो इसलिए वहाँ जाके डायरेक्ट बनाऊंगा। हम लोग पहुंच चुके हैं रास्ता पार करके, अभी मतलब पूरा पहाड़ पे चढ़ना है, वो ही मतलब रिस्की रास्ता है, क्योंकि अभी मतलब बारिश भी हो रहा था, तो अभी थोड़ा सा रास्ता मतलब स्लिपरी होगा, थोड़ा सा आधे तक ही मतलब गाड़ी लेके जा पाएंगे, बाकी तो मतलब चल के ही जाना पड़ेगा। और सीढ़ी भी है, मतलब 300 सीढ़ी, आज हमारा पूरा मतलब लेग डे हो जाएगा, तो चलिए चलते हैं। और ये आप देख ही सकते हो इसका व्यू, मतलब ऊपर मतलब जितना चढ़ते जाएंगे उतना ही मतलब व्यू अच्छा होते जाएगा। और रास्ता तो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कैमरे में इतना नहीं दिखा होगा, लेकिन बहुत ही मतलब ऊंचा रास्ता था, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, इट्स टोटली वर्थ इट। अभी चल के जाना पड़ रहा है क्योंकि सनराइज होने वाला है, ये देखिए इधर। तो अभी दौड़ के जाना पड़ रहा है अभी यहाँ से ऊपर, अभी सीढ़ी तो मतलब चलना बाकी है ही, तो चलो। मैन मंदिर गेट पहुँच गए, अभी तो असली मतलब चढ़ना बाकी है। संगीता इसको कैसे चढ़ेंगे हम, पता नहीं। 300 सीढ़ी, लेकिन हम आए हैं तो जाके रहेंगे। चलो, इसका नाम है श्री श्री हर गौरी मंदिर 3 चांदी। तो चलो, ओ
हाय, आओ आओ, ओह माय गॉड, कैसे चलेंगे अभी? मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा रास्ता मालूम है। हेलो हेलो हेलो, हाय, चलो पता नहीं आओ खास कर पकड़ो। पहुंचने वाला हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाला था वो है गुवाहाटी का बेस्ट व्यू पॉइंट, तीन चांदी टेम्पल। तो देखिए इसका नज़ारा। तो गाइस अभी जाने का टाइम है, क्योंकि हम जो देखने आए थे एक अच्छा सा व्यू और सनराइज वो हमें आज देखने को मिला। भले सनराइज हमें थोड़ा सा अच्छे से देखने को नहीं मिला, फिर भी आज अच्छा लगा। और मैं मंदिर के अंदर मंदिर को अच्छे से दिखा नहीं सका, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए। तो गाइस यही था मेरा आज का तीन जनवरी का ब्लॉग, थोड़ा सा मतलब छोटा सा ब्लॉग बना दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इतना दिखाने लायक कुछ चीज़ था नहीं यहाँ। मतलब सुबह आप लोग भी जरूर सुबह आएगा, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगता है सुबह आने के बाद, मतलब सब जगह पे फॉग फॉग होता है। तो और मतलब आज थोड़ा सा आने में थोड़ा सा देर हो गया, क्योंकि मतलब थोड़ा सा बारिश हो रहा था इसीलिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा अच्छा लगा आके, थोड़ा सा मतलब फ्रेशमेंट हो गया माइंड का, और मतलब माइंड का भी फ्रेशमेंट हो गया और पैर का भी एक्सरसाइज हो गया। लेग डे मतलब बहुत थक चुका हूँ बहुत, हमें लगा कि दुकान खुला होगा इसीलिए कुछ लेंगे, तो एक भी दुकान खुला नहीं था, इसलिए मतलब पानी बहुत प्यास लग रहा है, तो नीचे जा रहे जल्दी से जल्दी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ। बाय बाय संगीता, बाय 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 बाय। फाइनली गाइस पानी मिल गया, ऐसा लगा कि अमृत मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पानी बेच रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली इनको मतलब पता होगा कि इन्हों यहाँ पे जाके ना उससे थक जाता है, तो लोग हमको पहले मिल जाता तो हम पहले ले जाते। वहाँ पे इतना प्यास लग रहा था और मच्छर इतना था, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हो रहा था, मच्छर आ रहे थे, इसलिए इतना देर नहीं रुके, आगे अभी और थोड़ा सा घूम के घर जाते हैं।